अभिषेक और आज हम बात करेंगे नोकिया के बारे में। नोकिया एक ऐसी कंपनी जो कि बहुत सारे इंडियंस की एक फेवरेट कंपनी है और उसमें से मैं भी हूं। हमने आपने शायद कभी ना कभी एक नोकिया का फोन यूज किया है जो कि बहुत अच्छी बात है और हमेशा से नोकिया एक ऐसी कंपनी रही है सैमसंग से पहले जिसके ऊपर इतना अच्छा ट्रस्ट लेवल लोगों का हमेशा से रहा है, क्योंकि नोकिया के जो फोन हमने देखे हैं आज तक वो ऐसे फोन देखे हैं जो कि बिल्ड क्वालिटी में बढ़िया होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं और इतनी आसानी से खराब भी नहीं होते हैं और गिरने के बाद भी वो चलते रहते हैं। लेकिन ऐसा हुआ तब तक जब तक नोकिया के फोन्स नॉर्मल फीचर फोन चलते रहे। जब समय आया स्मार्टफोन की दुनिया का, यानी कि सिम्बियन ओएस से भी ऊपर एंड्रॉइड ओएस जैसे लॉन्च हुआ, उस टाइम पे नोकिया ने डिसाइड किया कि वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप करेगा और माइक्रोसॉफ्ट ने डिसाइड किया कि नोकिया के फोन्स के ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा वो आएगा विंडोज फोन ओएस। तो विंडोज फोन ओएस जो था और माइक्रोसॉफ्ट ने डिसाइड किया कि नोकिया के फोन्स के ऊपर जो ओएस आएगा वो होगा उनका विंडोज फोन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि इतना अच्छा नहीं चला और सभी लोग जानते हैं कि बहुत ज्यादा फीचर्स उसमें नहीं आए और एक तरह से विंडोज फोन की पूरी सीरीज जो है फेलियर रही, हालांकि बहुत सारे मॉडल्स अच्छे भी लॉन्च हुए। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से नोकिया वापस अब एंड्रॉइड फोन लॉन्च कर रहा है और उन्होंने वो एंड्रॉइड फोन लॉन्च कर दिया है, लेकिन ये पहला फोन नोकिया का ऑफिशियली लॉन्च हुआ है चाइना में, इंडिया में नहीं लॉन्च हुआ है। इस फोन का नाम है नोकिया 6। शायद इसके बारे में आप पहले से जानते होंगे लेकिन मैं आपको स्पेसिफिकेशन बता देता हूं। तो स्पेसिफिकेशन यहाँ पे इस फोन की कुछ इस तरह से रखी गई है। इसमें आपको 5.5 इंच का IPS HD डिस्प्ले मिलता है जो कि फुल HD डिस्प्ले है, साथ ही साथ 2.5D कर्व ग्लास मिलता है, 3000mAh की बैटरी मिलती है और इस फोन के अंदर आपको यूनिबॉडी डिजाइन मिलता है। बिल्ड क्वालिटी लुक एंड फील में फोन काफी बढ़िया है। 16MP का रियर कैमरा मिलता है जो कि ऑटो फोकस कैमरा है F2.0 अपर्चर के साथ। फ्रंट कैमरा 8MP का है। ये फोन एक यूनिबॉडी डिजाइन के साथ आता है, यानी कि इसमें बैटरी आप रिमूव नहीं कर सकते हैं। ओवरऑल फोन को देख के लगता है कि काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ एक अच्छी लुक एंड फील वाला ये फोन है। लेकिन अब हम बात करें कि ऐसा क्यों हो रहा है और अब क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट और नोकिया का वो खत्म हो चुका है। ऐसे में अब नोकिया खुद के अपने स्मार्टफोन जो है लॉन्च कर सकता है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, क्योंकि अभी तक वो चीज पॉसिबल नहीं थी तो अब वो पॉसिबल हो गई है। और ऐसे में हमें नोकिया के कुछ फोन्स अभी देखने को मिलेंगे मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में जो कि बार्सिलोना में होगा और वहां से आपके लिए हम अपडेट्स लाएंगे। अब हम बताएं कि किस तरह से नोकिया चेंज होगा जब वो इंडिया में अब आएगा। अब यहां पे कुछ चीजें यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। नोकिया की जो मेन पेरेंट कंपनी है वो है HMD ग्लोबल। अब इसके बाद हम बात करें नोकिया की, तो नोकिया अब इतनी बड़ी कंपनी नहीं है और ऐसे में उनके पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है, यानी कि नोकिया के जो भी एंड्रॉइड फोन आपको मिलेंगे वो मैन्युफैक्चर करेगा फॉक्सकॉन। R&D भी फॉक्सकॉन कर रहा है, तो फॉक्सकॉन यहाँ पे R&D एंड मैन्युफैक्चरिंग नोकिया के लिए कर रहा है, जो कि एक तरह का अपडेट है आपके लिए। नोकिया खुद अपने फोन मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है और शायद इसी वजह से स्नैपड्रैगन 430 का हार्डवेयर वाला ये फोन जो कि नोकिया 6 है, इसकी प्राइस तकरीबन 17,000 रुपये है, जो कि अगर आप चाइना प्राइस की बात करें, अगर ये इंडिया में आता है तो कम से कम 19,000 रुपये का मिलेगा। 19,000 रुपये का स्नैपड्रैगन 430 वाला फोन डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी फोन नहीं होगा। और ऐसे में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि नोकिया खुद ये फोन मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है, वो फॉक्सकॉन से करवा रहा है और ऐसे में एक प्राइस मार्जिन जो है उनके पास बहुत कम है और वो इस फोन को बहुत ज्यादा सस्ता नहीं बेच सकते हैं क्योंकि उससे उन्हें काफी लॉस होगा। अब हम बात करें कि किस तरह से नोकिया वापस आएगा इंडिया में। अब नोकिया जब वापस आएगा तो उनको अपने पूरे सर्विस सेंटर जो हैं दोबारा से बनाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि पुराने सर्विस सेंटर सीधा काम कर जाएंगे, उनको सर्विस सेंटर दोबारा से बनाने पड़ेंगे। साथ ही साथ नोकिया को यहाँ पे एडवर्टीजमेंट पे शायद इतना पैसा खर्च ना करना पड़े, क्योंकि इंडिया में नोकिया को सभी पहचानते हैं और सभी ट्रस्ट करते हैं। तो अगर अच्छा डिवाइस उन्होंने लॉन्च करना है तो वो एक वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से उन्होंने लॉन्च करना होगा, क्योंकि मार्केट अब इतना बदल चुका है इतने सालों में कि अब कोई भी स्मार्टफोन अगर आप लेने जाते हैं तो उसमें आपको एक वैल्यू फॉर मनी फोन चाहिए, ताकि एक अच्छी प्राइस पे एक अच्छा हार्डवेयर दे, और वो देना नोकिया के लिए चैलेंज होगा क्योंकि नोकिया ये फोन मैन्युफैक्चर करवा रहा है फॉक्सकॉन से और साथ ही साथ R&D भी फॉक्सकॉन कर रहा है। इसके अलावा कुछ और चीजें यहां पे जाननी जरूरी है, वो ये है कि नोकिया अगर इंडियन मार्केट में आता है तो इंडियन मार्केट में आने के बाद जो कंपटीशन मार्केट में है वो इतना ज्यादा फियर्स है कि ऐसे में नोकिया के लिए भी काफी मुश्किल होगा उस कंपटीशन में एक ऐसा फोन लॉन्च करना जो कि बाकी फोन से बेहतर हो, क्योंकि R&D और बाकी नए फीचर्स इतने सारे आपको अलग अलग ब्रांड्स में देखने को मिल रहे हैं जो कि एकदम से नोकिया के लिए करना मुश्किल होगा। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो नोकिया का ये इनिशिएटिव कि नोकिया 6 उन्होंने लॉन्च किया है चाइना में, वो इनिशिएटिव इसलिए है ताकि वो कुछ फोन बेच पाए और ऐसे में कुछ पैसा बना पाए और उस पैसे को वो इन्वेस्ट करेंगे और एक बेहतर फोन इंडिया के लिए लेके आएंगे। डेफिनेटली नोकिया 6 अगर इंडिया में आता है तो जिस प्राइस पे वो चाइना में लॉन्च हुआ है
उस प्राइस पे, तो यहाँ पे आपको लिनोवो जेड टू प्लस मिल जाता है। और 17,000 रुपये का तो डेफिनेटली स्नैपड्रैगन 430 वाला फोन कोई भी खरीदना नहीं चाहेगा। तो ऐसे में नोकिया डेफिनेटली इस चीज़ को कंसिडर करेगा मेरे हिसाब से और अपने एक डिवाइस को बेहतर बनाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, ना सिर्फ नोकिया 6 के बारे में, नोकिया के बारे में, उनकी नई स्ट्रैटेजी के बारे में और किस तरह के चैलेंजेस नोकिया फेस करेगा जब इंडिया में वापस आएगा वो अब स्मार्टफोन प्लेयर की तरह। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबाइए, वीडियो के नीचे मिलेगा आपको। अगर आपको इस तरह के वीडियो और देखने हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, वो भी आपको वीडियो के नीचे मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।